हेलो गाइस, कैसे आप लोग। तो आज की वीडियो में बताऊंगा विच टाइप ऑफ फैसिलिटीज आर प्रोवाइडेड इन द अहमदाबाद मेट्रो रेल स्टेशन, मतलब कि किस टाइप की सुविधाएं हमें मिलती है अहमदाबाद मेट्रो स्टेशन के अंदर। तो चलिए वीडियो के साथ बने रहिएगा, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। मैं बड़ी अच्छी तरीके से हो सका इतना आपको मैं समझाऊंगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे फैसिलिटीज फॉर पैसेंजर्स, मतलब सुविधाएं पैसेंजर के लिए क्या क्या दी गई है। तो पहला है कॉन्टेक्टलेस स्मार्ट कार्ड। आप देख सकते हैं मैं हर एक के साथ एक फोटो अटैच करूंगा ताकि आपको अच्छे से समझ आए। ये कार्ड जो है ये इसलिए यूज आता है कि आप कहीं जाए तो आपको कैश ले जाने की जरूरत नहीं है या तो कुछ आपको ऑनलाइन करने की जरूरत नहीं है, बस कार्ड को रिचार्ज कराओ और खत्म। सेकेंड है टोकन वेंडिंग एंड कार्ड रिचार्ज मशीन। ये मशीन जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं वो इससे आप टोकन भी निकाल सकते हैं, आपको कहाँ से कहाँ जाना है, और यहाँ पे अपना जो कार्ड है स्मार्ट कार्ड उसको आप रिचार्ज भी कर सकते हैं। थर्ड है ड्रिंकिंग वाटर, ये आप देख सकते हैं यहाँ से आप पानी भी पी सकते हैं चाहे तो। फिर फोर्थ है फर्स्ट एड असिस्टेंट, मतलब कि अगर आपको कहीं लग जाती है तो आपको ये फर्स्ट एड बॉक्स भी दिया जाएगा। फिफ्थ है पैसेंजर सीटिंग चेयर, आराम से पैसेंजर वहाँ पे बैठ भी सकता है और जो मेट्रो के लिए वेट भी कर सकता है। फिर सिक्स्थ है पैसेंजर इंफॉर्मेशन डिस्प्ले, वहाँ पे आपको कुछ देखने के लिए एक उपकरण रखा गया है जिसे हम कहते हैं टीवी, उसके अंदर आपको डिटेल दी जाएगी कि मेट्रो कितने बजे आएगी, कितना टाइम लगेगा, कौन से मेट्रो का कभी कितना टाइम है वगैरह वगैरह वहाँ पे जो है डिस्प्ले किया जाएगा। उसके बाद है गाइडिंग साइन एज, इसका मतलब है कि आपका टिकट बारी इधर है, आपका ट्रेन का जो है वो इधर है, आपको लिफ्ट इधर है, सीढ़ियाँ इधर है, ये इधर है, वो उधर है, पानी पीने का इधर है, वो इधर है, इधर है, आप देख सकते हैं फोटो के अंदर। फिर उसके बाद दिया गया है एट्थ, देखती है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 एट्थ है लिफ्ट, जो आलसी लोगों के लिए स्पेशली, और जो जो डिसेबल जो है मतलब कि समझ लो कि ऊपर जा नहीं सकते, जिनको पैर में या देख नहीं सकते, चल नहीं सकते, जो भी है उनके लिए लिफ्ट दी गई है। ये एस्केलेटर जो नेक्स्ट है वो दिया हुआ है आलसी लोगों के लिए, और जो मेरे जैसे हफ्ते कटे लोग हैं वो चढ़ के भी जा सकते हैं, पर आलसी लोगों के लिए बड़ा अच्छा काम किया गया है, आप देख सकते हैं। फिर दिया गया रेस्ट रूम, रेस्ट रूम भी दिया गया है, चलो अच्छा जिसको आराम करना हो, मेरे हिसाब से रेस्ट रूम तो इसको बोलते, पर इन्होंने जो है रेस्ट रूम कुछ इस तरीके से दिया हुआ है, आप देखिए फोटो। फिर नेक्स्ट जो है वो है फैसिलिटी फॉर डिफरेंटली एबल्ड, मतलब कि जो चल नहीं सकते, मतलब जो अपंग है, जो देख नहीं सकते, मतलब डिसेबल्ड पीपल जिसको बोलते हैं, उसके लिए दिया गया है वाइड ऑटोमेटिक फेयर गेट्स, मतलब कि अंदर जाने के लिए आपको अच्छे से एडवांस टेक्नोलॉजी के गेट दिए गए, मतलब आपको वहां से पेमेंट करके जाना है, आप ये देख लीजिए। फिर नेक्स्ट है टेल्टिलेट पाथ फॉर विजुअली इम्पर्ड, मतलब कि जो देख नहीं सकते उसके लिए अलग तरीके की टाइल्स बनाई गई है, तो उसे वो चल के मतलब जा सकते, ऐसा ही कुछ है। फिर है पैसेंजर रैंप, पैसेंजर रैंप जो है मतलब कि जाने का ही कोई तरीका होगा। अवेलेबिलिटी ऑफ व्हीलचेयर एट स्टेशन, मतलब कि व्हीलचेयर भी दी गई है स्टेशन पे। रिजर्व स्पेस फॉर व्हीलचेयर इन ट्रेन, मतलब कि जो व्हीलचेयर पे जा रहे जैसे कोई सीनियर सिटीजन हो गया तो उसके लिए अलग से स्पेस भी दी गई है, आप देख सकते हैं अंदर। फिर बैलेट सेल बटन्स एंड हैंडल्स इन लिफ्ट, मतलब कि आप ही देख लीजिए क्या है क्या चीज है। टिकट काउंटर एट लोअर हाइट, मतलब कि जो व्हील चेयर पर जा रहे हैं तो उनके लिए टिकट काउंटर जो वो थोड़ा हाइट के नीचे दिया हुआ है नीचे। फिर नेक्स्ट है रेस्ट रूम फॉर डिफरेंटली एबल पैसेंजर्स, मतलब रेस्ट रूम दिए गए हैं, मतलब कि जिसको वॉशरूम यूज करना हो, हाथ पाव धोना हो, तो उसके लिए थोड़े नीचे हाइट के रेस्ट रूम अवेलेबल है। तो ये था फैसिलिटीज फॉर डिफरेंटली एबल, और उसके बाद देंगे फैसिलिटीज फॉर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, मतलब कि 24x7 तो नहीं, कैमरा से पूरा ढका हुआ है।
मेट्रो स्टेशन, उसके बाद पुलिस चेकिंग का भी अवेलेबल है, जो वो डंडे से जो चेकिंग कर दे वो। उसके बाद फॉर वुमेन अलग से चेकिंग बूथ दिया हुआ है। उसके बाद जो अपने एयरपोर्ट पे जाके वो नहीं पूरा एक इतना बड़ा डब्बा होता है, उसके अंदर वो चीजें डाल डाल के स्कैन करते हैं, वो भी अवेलेबल है यहाँ पे। उसके बाद फैसिलिटीज फॉर इमरजेंसी, इमरजेंसी स्टॉप प्लंगर, मतलब इट इज प्रोवाइडेड एट प्लेटफॉर्म टू स्टॉप ट्रेन अप्रोचिंग स्टेशन, मतलब कि इमरजेंसी कुछ ऐसा एक उपकरण दिया हुआ जिससे आप ट्रेन को स्टॉप कर सकते हैं स्टेशन के वहाँ पे। इमरजेंसी ट्रिप सिस्टम, वो जो ट्रिप सिस्टम है वो प्रोवाइड गया हुआ, वो प्रोवाइड दिया हुआ है ट्रेन में कि अगर आपको समझे कुछ भी कोई इशू आ रही है तो वहाँ पे आप इमरजेंसी ट्रिप सिस्टम को दबा सकते हैं या खींच सकते हैं। तो उसमें क्या है, 750 वोल्ट का जो पावर का वो कट हो जाएगा और मेट्रो रुक जाएगी। फायर अलार्म एंड सप्रेशन सिस्टम, मतलब कि फायर अलार्म भी वहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, सप्रेशन सिस्टम टू डिफेक्ट डील विथ फायर, मतलब कि अगर आग लग जावे तो वहाँ पे उसका भी अच्छा सा सुविधा की हुई है। फायर एक्सटिंग्विशर भी दिया हुआ है स्टेशन और ट्रेन के अंदर भी, मतलब जब आग लग जाए तो आप उससे ऐसे फूफू करके आग बुझा सकते हैं। फिर है फायर हॉर्स कैबिनेट, फायर हॉर्स कैबिनेट मतलब कि ये भी एक सुविधा दी गई है, अगर समझिए कि बहुत बड़ी आग लगती है तो उसको बुझाने के लिए भी काफ़ी अच्छी सुविधा दी गई है। इमरजेंसी डिटरमेंट रैंप, मतलब इट इज अवेलेबल, मतलब इमरजेंसी डिटेंट रैंप का मतलब यूँ है कि समझिए कि ट्रेन में कोई दुर्घटना हो जाती तो उससे बाहर निकलने के लिए स्टेशन के वहाँ पे कुछ अलग से रैंप बनाया हुआ है, मतलब इमरजेंसी रैंप उसे कोई बोला गया। इमरजेंसी इवैक्यूएशन मैप, ये समझ नहीं आया। स्ट्रेचर इज ऑल्सो अवेलेबल स्टेशन ड्यूरिंग इमरजेंसी रेस्क्यू पैसेंजर, मतलब समझिए किसी को कुछ हो जाए तो वहाँ पे स्ट्रेचर भी अवेलेबल है। फिर पैसेंजर इमरजेंसी अलार्म एंड पैसेंजर हेल्पलाइन, पैसेंजर इमरजेंसी अलार्म इज प्रोवाइड, मतलब पैसेंजर मतलब कोई इमरजेंसी हो जाए तो उसके लिए अलार्म भी दी गई है ट्रेन के अंदर, और हेल्पलाइन नंबर भी लिखा होगा जो जिससे आप फोन कर सकते ड्यूरिंग इमरजेंसी। तो ये तो था फैसिलिटीज, सिक्योरिटीज और फैसिलिटीज फॉर एबल पर्सन। तो दोस्तों वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना, और इसका भी PDF जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा।